आज बिहार बीमारू राज्य 15 साल पहले था, आज ग्रोथ के मामले में, तरक्की के मामले में नंबर वन राज्य बना हुआ, नंबर वन रियासत बनी हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस बिहार का बजट लालू यादव जी के जमाने में 24,000 करोड़ होता था, उस बिहार का बजट अगर 2,25,000 करोड़ रुपया हो गया है तो ये मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों। ये ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं और बिहार का एक एक आदमी जानता है कि क्या काम किया है नीतीश कुमार ने। बात अध्यक्ष आती है आकर के, आप पूछें किसी मौलाना से तो कहेंगे मदरसे में ये काम हुआ, किसी मुसलमान से पूछिए तो कहेंगे स्कॉलरशिप मिलता है, हमारी सड़कें बनाई, हमारी हमें बिजली दिया, हमारे मदरसों में ये काम हुआ, हमारे कब्रिस्तानों की चार दीवारी हुई। हर मुसलमान, हर आदमी से बात कीजिए तो नीतीश कुमार की तारीफ करेगा। लेकिन बात अधिक चाहती है कहां आकर के, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ क्यों है। मुसलमान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, इसको भूलिए और समझिए कि नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में मुसलमानों के लिए और बिहार के लिए क्या किया है, इसको समझने के तैयार नहीं है मेरे भाइयों। मैं बार बार एक बात कहता हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग के किसी कोने में ये बात है कि नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी का असर हो सकता है तो माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान नहीं तारीख की सबसे बड़ी भूल होगी अगर ऐसा आप समझेंगे। आप बताइए इसी किशनगंज में जब 300 एकड़ जमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देना था तो क्या नीतीश कुमार को बीजेपी ने रोका, क्या नीतीश कुमार मान गए वो जमीन नहीं देंगे, उन्होंने जमीन दी। जब नीतीश कुमार को मुसलमानों के लिए मल्टीपर्पज बिल्डिंग हर जिले में बनाना था, मुसलमानों के लिए स्कूल बनाना था, मुसलमानों के लिए इस्लामिक सेंटर बनाना था, क्या बीजेपी कभी आई इसके अंदर। आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार कभी क्राइम से और फितना परस्ती से समझौता नहीं कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए इस बात को। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बेटे ने जब मुसलमानों के खिलाफ एक बयान दिया, नीतीश कुमार की पुलिस को 24 घंटे नहीं लगे उसको जेल के अंदर बंद कर दिया था कि नहीं बंद कर दिया, याद है कि नहीं याद है। भूल जाते हैं हम, मुसलमानों की परेशानी क्या है कि हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में डर बैठाया गया है, हमारे दिमाग में पिछले 70 वर्षों से एक खौफ बैठाया गया, एक डर बैठाया गया, कभी हिंदू महासभा का डर, कभी जनसंघ का डर, कभी बीजेपी का डर, कभी कांग्रेस का डर, डर बैठा बैठा करके ऐसा डरपोक बना दिया है कि हम ये समझने को तैयार नहीं है कि हमारे लिए काम करने वाला कौन है और हमें डराने वाला कौन है, डरा करके कौन वोट देता है। आप बात कर लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, आप बात कर लीजिए MIM के लोगों से कि आप हमें क्या देंगे, आपकी जब सरकार बनेगी, आप जब जीत के जाएंगे तो हमें क्या देंगे, तो क्या जवाब देंगे आपको, बिना उसी लागू हो जाएगा हम आपको देंगी क्या देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। आप कहेंगे कि क्या आप हमको बिजली दीजिएगा, वो कहेंगे हम गोश्त दीजिए वरना गोश्त खाना बंद हो जाएगा। आप कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों को तालीम दीजिएगा, तो कहेंगे हमको और दीजिए नहीं तो आपकी मस्जिद बंद हो जाएगी, आपकी खानकाह बंद हो जाएगी। कब तक चलाओगे भाई, नीतीश कुमार 15 वर्षों से है, क्या आपकी मस्जिदें बंद हो गई, क्या आपका गोश्त खाना बंद हो गया, क्या आपको अभी दानी साहब ने बताया हिंदुस्तान की पहली रियासत है जिसने ऐलान किया कि हम किसी भी कीमत पर इन आदमी को लागू नहीं होने देंगे और ये हमने विधानसभा को पास किया। आज RJD वाले, MIM वाले इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जीते तो NRC लागू हो जाएगा। नीतीश कुमार ने जीतने से पहले बिहार की असेंबली से ये पास कर दिया कि बिहार की जमीन पर NRC, NPR और CAA लागू नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने लागू किया है, पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए अखबार को 26 फरवरी का विधानसभा का जुलूस उठा करके देख लीजिए। लेकिन यही तेजस्वी यादव जी है और यही जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जिनके यहाँ NRC पे प्रोटेस्ट होता है तो पूरी उनकी पुलिस
प्रोटेस्ट करने वाले को, एहतजाज करने वाले को गिरफ्तार कराती है। हमारे यहाँ जब कन्हैया कुमार प्रोटेस्ट करते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है, नीतीश कुमार कहते छोड़ो उसको, एहतजाज करने दो, एहतजाज करना जमहूरी हक है। मेरे भाइयों, इसी किशनगंज के अंदर 17 जगह पर एहतजाज हो रहा था, 17 जगह पर, लेकिन क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस ने किसी एहतजाजी को रोकने की कोशिश की? साबित कर नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव किसी प्रोटेस्ट में गए हो और तेजस्वी यादव को भरकर मुसलमानों के खाते में खाना पिला करके खड़े हो, मुसलमानों की आवाज उठाई हो उन्होंने, ये साबित नहीं कर सकते। इस बात के लिए माननीय तेजस्वी यादव को